Hello students, welcome back. This is CA Saurabh Singh Baghel and we are back with another video. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है. सॉरी डिफरेंस नहीं, रिलेशन है, मतलब क्या रिश्ता नाता है इन दोनों के बीच में. तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग, देखें प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है और कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि जो जैसा हमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है कि नहीं, और अगर नहीं हो रहा है, कोई अंतर है, कोई डिफरेंस है, तो उसमें करेक्शन करने की बात की जाती है कंट्रोलिंग में. तो आइए देखते हैं क्या है. बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट. ये आपस में कनेक्टेड है. कैसे? देखो, प्लानिंग हमने किया, मान लो कि हमें 1000 यूनिट्स बनाने हैं इन अ मंथ, ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया. अब हम अगर महीने में हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है 950, तो चेक करेंगे. तो कंट्रोलिंग के लिए जब तक कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, जब तक आपका कोई प्लानिंग ना हो, अगर आप स्टैंडर्ड ही नहीं सेट करेंगे तो कंट्रोलिंग करोगे किससे, कंपेयर किससे करोगे, ठीक है. तो कंट्रोलिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन प्लानिंग. आप इससे कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस को, टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस. हमने प्लान किया था 1000 यूनिट और हमारा एक्चुअल है 950 यूनिट, तो कंपेयर करने के लिए बड़ा जरूरी है कि सबसे पहले प्लानिंग की जाए. और दूसरा, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस. आपने प्लानिंग तो कर लिया कि 1000 यूनिट बनाना है, लेकिन कंट्रोलिंग का कोई फैक्टर ही नहीं है, मतलब आप चाहे 700 बनाओ चाहे 500 बनाओ, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आपका प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने वाला. इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड एंड प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. मतलब अगर आपने प्लान बनाया है लेकिन कंट्रोल नहीं है तो बेकार का प्लान है, और अगर कंट्रोल है लेकिन प्लान नहीं है तो कंपेयर कर ही नहीं सकते. तो प्लानिंग के बाद एक्शन होता है, एक्शन के बाद कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के बाद फिर एक्शन, और फिर उसके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है. तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड बातें होती है, ठीक है. दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवेल्युएटिव. देखें, प्लानिंग में बताया जाता है कि क्या करना है और उस काम को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा. कंट्रोलिंग में अगर कोई डेविएशन है, कंट्रोलिंग में इस बात को इवेल्युएट किया जाता है, इस बात को चेक किया जाता है कि जो हमने सोचा था क्या वैसा ही हो रहा है, जैसा हमने प्लान किया था क्या वैसा ही हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो करेक्टिव एक्शन लिए जाएंगे, ठीक करने की कोशिश की जाएगी. तो प्लानिंग प्रेस्क्राइब्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन. मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा, किस तरीके से काम करना चाहिए, प्लानिंग में बताया जाता है. कंट्रोलिंग में किया जाता है कि क्या हमने जो सोचा था, जो हमने डिसीजन लिए थे, क्या उन पर काम भी हो रहा है या सिर्फ डिसीजन लिए गए हैं. तीसरा है, बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस. कैसी बात है, देखें प्लानिंग के बारे में कहा जाता है कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग, प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग. कंट्रोलिंग में पीछे की चीजें से कंपेयर किया जाता है. लेकिन एक बात सोचे, जब प्लान बनाए जाते हैं तो प्लान हमेशा फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है. लेकिन जब प्लान बनाए जाते हैं तो पुराने एक्सपीरियंस, पहले क्या हुआ था सिमिलर तरह के प्लान बनाए जाने पर, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है. मतलब प्लान भले ही फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये भी दिमाग में रखा जाता है कि पुरानी बातें क्या थी. आप आगे का काम करते हैं लेकिन पुराने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, पुरानी गलतियों से सीखते हैं. तो ये हो जाता है प्लानिंग. प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच एज प्लान्स आर मेड फॉर द फ्यूचर, बट इट इज ऑल्सो बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन एज द प्लान्स आर गाइडेड बाई पास्ट एक्सपीरियंस. पुराने अनुभवों से फर्क पड़ता है. उसके बाद कंट्रोलिंग के बारे में कहा जाता है बैकवर्ड लुकिंग है. बैकवर्ड लुकिंग मतलब हम अभी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको पास्ट स्टैंडर्ड से चेक करने वाले हैं, ठीक है. प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग, जबकि कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग. बैकवर्ड लुकिंग मतलब अगर कहा जाए तो कहें कि कंट्रोलिंग इज पोस्टमार्टम, मरने के पहले नहीं, मरने के बाद है, काम कंप्लीट होने के बाद कंट्रोलिंग किया जाता है. लेकिन कंट्रोलिंग फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है, हम
कंट्रोलिंग में ये पता कर लेते हैं कि पिछली गलती क्या थी, तो वो गलती आगे रिपीट ना हो इसकी कोशिश की जाती है, इसलिए कंट्रोलिंग भी फॉरवर्ड लुकिंग हो जाता है। तो कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच एज इट कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन द पास्ट, बट इट इज ऑल्सो फॉरवर्ड लुकिंग एज इट एम्स टू इम्प्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। जो अभी तक गलतियां होती आई वो फ्यूचर में ना हो, ये कंट्रोलिंग की कोशिश होती है। तो आप देख सकते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं हम कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। सो गाइस, आप इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पार्ट से कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग में आपस में क्या रिलेशन है, या फिर प्लानिंग और कंट्रोलिंग इंटरडिपेंडेंट या इंटर रिलेटेड किस तरीके से है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आप कमेंट कोई करना चाहें तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।